रिपोर्ट राहुल के साथ संतोष यादव की रिपोर्ट। लोकेशन संभल, स्लग महिला सहित 3 पशु तस्कर गिरफ्तार। बीओ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जनपद पुलिस चेकिंग अभियान चलाए हुए है। जनपद की राजपुरा थाना पुलिस गश्त कर रही थी। सुबह के 6 बजे राजपुरा से बहजोई रोड पर एक बुलेरो पिकअप आती दिखाई दी, जिसे पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो गाड़ी चालक ने गाड़ी दौड़ा दी, लेकिन पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर गाड़ी को पकड़ लिया और गाड़ी से उतर कर भाग रहे 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें 2 प्रतिबंधित पशु बैल बरामद किए हैं। गिरफ्तार पशु तस्करों में एक महिला भी गिरफ्तार की गई है, जो पशु तस्करी में संलिप्त है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार महिला पशु तस्कर काफी समय से पशु तस्करी का काम करती है, जो पहले भी जेल जा चुकी है। बाइट गमलेश्वर बिलटोरिया सीओ गुन और होल्डर महिला पशु तस्कर गिरफ्तार। संभल सीओ साहब, जैसा कि आज पशु तस्कर गिरफ्तार किए गए, जिसमें एक महिला भी है, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली में यहाँ थाना रजपुरा पड़ता है, वहाँ के एक सब इंस्पेक्टर अवधेश कुमार अपने एक मुजरिम की गिरफ्तारी के लिए सुबह 5 बजे थाना से चले थे। रास्ते में एक मजबूर मिलता है कि काफ़ी दिनों से एक सफ़ेद गाड़ी है जो बुलेरो है, वो तस्करी का काम करती है गोवंशीय पशु का। आप उसे चाहें तो पकड़ सकते हैं, वो गाड़ी इसी रास्ते से आएगी। दरोगा जी एक ऐसी पुलिया के पास खड़े हो गए जहाँ पर वो कोई और रास्ता भागने का नहीं था। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी आ जाती है, दरोगा जी के द्वारा वो गाड़ी रुकवा ली जाती है। उसमें एक लेडी और एक चालक और एक पुरुष जो केबिन में बैठे हुए थे, उनको रोक लिया गया, पकड़ लिया गया। एक चौथा आदमी और गाड़ी के पीछे था, जो पशुओं के साथ था, गोवंश पशुओं के साथ था, वो कूदते खेतों की तरफ भाग गया। नाम पता उनका पूछा गया तो लेडी सुशीला पाल है, जो बेजोई की रहने वाली है, ओमपाल है, जो जरीब नगर क्षेत्र का रहने वाला, और एक करू जो भाग गया पीछे की तरफ, वो व्यक्ति उसी पड़ोस के गाँव का सैंडोरा का रहने वाला है। अलग अलग जाति के हैं ये लोग और ये मुरादाबाद इन पशुओं को लेके जा रहे थे। क्या ऐसा भी है कि पुलिस के ऊपर तस्करों ने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की? ऐसा कोई नहीं है, गलत तरीके से बताया जा रहा है। वो तो पुलिया ऐसी थी कि गाड़ी को आगे करके वो भागने का कोई रास्ता नहीं था, ये गलत बात है। ये किसी ने गलत तरीके से सूचना दी है कि गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, मतलब पुलिस के ऊपर कोई हमला करने की कोशिश नहीं, कोई हमला कोशिश नहीं करी। उसमें से 4 में से 3 लोग गिरफ्तार हो गए। ठीक है सर।